लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए, यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं वो उनको देते हैं और बात तो गरीबों की करते हैं और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिलके काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार क्या कही, ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब इतने बड़े बड़े शर्माएदार होते हैं, ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिए और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद? लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए, यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार। 15 लाख की भी बात की उन्होंने, किसी को लाके नहीं दिए। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया। सरकार में जो 30 लाख नौकरियां खाली है वो नहीं दिया, जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके लिए बजट रखा जाता है, वो नौकरियां भी वो नहीं दे रहे। तो ये मोदी जी की इच्छा क्या है कि डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देश चलाना, सरकार चलाना ये चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग देकर वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर बुलाते हैं, वहां पर की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं वो उनको देते हैं और बात तो गरीबों की करते हैं लेकिन काम अमीरों का करते हैं। तो इसीलिए
मैं ये आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हमने इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया, सब जगह फिरे।